बेटी दोनों पीले पीले बन रखे हैं। मेरा आज का लुक कुछ ऐसा है, मैंने सिंपल सी साड़ी पहनी थी, ये सिंपल सी साड़ी पहन रखी है मैंने। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ पूजा के लिए, पूजा में जा रही हूँ, पिछवाड़ा डाल रही हूँ, बहुत देर हो गई खाना आना बनाने में, सब काम करने में इतना ज़्यादा लेट हो गया। एक तो अकेली हूँ मैं, खाना पीना बनाना सब करना सब अकेले अकेले करना हो रहा है, इस वजह से पिछवाड़ा डाल रही हूँ, ऐसे ही डाल लेती हूँ खाली पूजा में बैठने के लिए। पंडित जी रुके हुए हैं, आप लोगों को भी दिखाती हूँ, बने रहिएगा व्लॉग के साथ। चलो पंडित जी से मिलाती हूँ कि अन्नप्राशन होनी है, डुग्गू सो गई है, तो यूँ आ गई अपने मंदिर पे और पूजा पाठ सब तैयार हो गए। पंडित जी बैठ रखे हैं, खाना बनाती है, क्या करती है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शवां शिवाधात्रे स्वासदा नमोस्ते जयं तौं देवी चामुंडे जय भूतार्त्यहारिणे जय सर्वगते देवे कालरात्रे नमो अस्तुते नमो भगवते सिद्धि विनायकाय नमः। ओम हनुमते नमः। आपदापहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयोर्भावहं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायामदे नमः। नमो गरुणदेवाय गोवर्णहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमोस्तवताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षोर्वाहवे सहस्रनाम्ने प्रुखाय शाश्वते सहस्रकोटिगुधारणे नमः। नमः शम्भवाय च वयोभवाय च शंकराय च वयस्कराय च शिवाय च शिवा। अच्छा जी, अब जो है हम लोग आगे पूजा करने की तरफ को ध्यान करते हैं, ध्यान लगाते हैं पूजा में। आय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। हस्तं प्रक्षाल्य माधवाय नमः। ओम केशवाय। यहाँ से आम लेना और यहाँ से लेना और इसमें चलाते रहना, ठीक है। क्या का नाम क्या रखा था? जीविका। अरे वैसे गंगोत्री गायत्री राशि का नाम ना। हाँ, राशि का नाम गायत्री जौ से पढ़ा था। हाँ दादा, स्वाहा ऐसे घुमाओ एक बार यहाँ को। ओम ज्ञानाय स्वाहा, फिर रुको। ओम अपानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम समानाय माजन को पुत्र देख निर्धन को माया सूर्या स्वाति नाम विश्व
पूजा कर्म समारंभ ऐसे चावल को मंत्र करना अब सर्व तो हे भूता अपनी दर्शन दिर्गचता भूता नाम ज्ञाता हो पूर्व को छोड़ना पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ओम प्राचे नमः ओम अग्ने नमः ओम नगते नमः ओम वायवे नमः ओम प्रतीचे नमः ओम आकाशे ऊर्ध्वदिशे नमः ततो अनंताय नमः सब पर के भाग छोड़ ततो यहां देखना रुको हां पंडित जी की पॉइंट कोई बात यहाँ देखो आज हम निकला दिया जी गुगु हमारी खाना अन्नप्राशन हो गया सबसे पहले हमने जो है बच्चे को चरणामृत दिया और आज से जो है क्या कहते हैं जब हम उसको गंधाचल करते हैं टीका करते हैं तो 6 महीने तक 7 महीने तक जब तक अन्नप्राशन का संस्कार नहीं होता तब तक चावल नहीं लगाए जाते हैं चावल और फूल दूर्वा उसके सिर में रखे जाते हैं आशीर्वचन के रूप में। आज जब अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है तो घर में जो है हमने गणपति पूजन किया देवी देवताओं का आवाहन किया उनका पूजन किया उसके बाद जो है हमने बच्चे के लिए जो भी खाद्य पदार्थ बनाए खाने के लिए उसमें जो है खीर पूड़ी हलवा और जो हमारे यहाँ का एक लोकाचार है बड़े जो बनाए जाते हैं उड़द के तो वह भी और सारी चीजें जो है सब्जी आदि बना करके उसको बच्ची को जो है क्रमशः बारी बारी से जो है माता पिता ने खिलाया और बच्चा जो है आज से जो है यहाँ पर टीके में उसको चावल भी यहाँ से चढ़ाए जाते हैं जो कि अटूट संबंध होता है अक्षत माने कभी नहीं टूटने वाला तो इसलिए जो है जीवन पर्यंत ताउम्र जो है ये सदाए मान रहे हैं और खुशी से इनका जीवन फले फूले खूब आगे बढ़े और यही हमारा आशीर्वाद। पंडित जी ने भोग लगा के ये सारा कुछ हमने डुग्गू को सब चीज चटा दिया है खिला दिया है। आज से डुग्गू अब हमारी खाना पीना खिलाई खा सकती है। जो भी मैं बनाऊंगी जितनी भी मेरी रेसिपीज आएंगी उस सब में डुग्गू भी भागीदार होगी अब खाने के प्रति। हमारे पहाड़ों में एक चीज और करी जाती है ये सब चीजों ये चीजें होती हैं ये चीजें आप पंडित जी बताएंगे इन चीजों का क्या महत्व होता है ये हम क्यों छुवाते हैं और क्या क्या छुवाना चाहिए और क्यों छुवाना चाहिए ये सब चीज पंडित जी बताएंगे। हम डुग्गू को छोड़ेंगे डुग्गू ना इन सब चीजों में से एक चीज पकड़ेगी जो चीज पकड़ेगी वो ही चीज हम सोचेंगे कि आगे इसका भविष्य इसी में केंद्रित है। तो इस चीज क्या छुवाना चाहिए और क्यों छुवाना चाहिए ये सब चीज पंडित जी बताएंगे। हम डुग्गू को छोड़ेंगे डुग्गू ना इन सब चीजों में से एक चीज पकड़ेगी जो चीज पकड़ेगी वो ही चीज हम सोचेंगे कि आगे इसका भविष्य इसी में केंद्रित है। तो इस चीज के बारे में पंडित जी बताएंगे पंडित जी बताओ। ओम काय नवाचा मनसा निवाता वायसी लोकपुरी काके भ्यो नमः सूर्य विष्णु निर्माता सदा नमः गौराशे भ्यो नमः अपना नीचे बता दो उसको कि जब बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है तो उसी समय उसके सामने जो हमारी वाणिज्य चीजें होती हैं जैसे पठन पाठन का कार्य होता है पुस्तकें होती हैं अन्न होता है फल फ्रूट होते हैं फूल होते हैं बागवानी होती है खेलने का सामान होता है तो इन चीजों में ही जो है क्या कहते हैं उसको ये सारी चीजें वो करी जाती हैं। अच्छा देखो देखा जाता है कि बच्चे का ध्यान किस तरफ है बच्चा कहाँ को ध्यान अपना देख रहा है और किस चीज में जाता है तो वही पर हमारी मान्यता होती है कि बच्चा उसी तरफ को अग्रसरित होता है अपने जीवन में। पटको
पंडित जी ने इतना बढ़िया पाठ पाठ सुना के हमें डुगू को बहुत सारे आशीर्वचन दिए, हमें बहुत सारे आशीर्वचन दिए और मेरी पूरी YouTube फैमिली को भी पंडित जी ने इतने अच्छे आशीर्वचन दिए। जो भी सभी बच्चों को, सभी बड़े लोगों को, यजमान के रूप में सभी को मेरा ब्राह्मण होने के नाते एक सुभाषीष है और ब्राह्मण के अन्यत्र आसन से उड़ने के बाद मैं सभी का भाई बंधु हूँ, सभी का बच्चा हो, सभी का जो है बड़ा भाई हो, चाचा हो, अंकल हो, जो भी हो, तो उसी रूप में मैं परिवार का सदस्य हूँ। ठीक है, मेरा सभी लोगों को शुभकामनाएं है, ढेर सारी बधाइयां है, आपको फलो फूलो, जीवन में खूब तरक्की करो, दिन दूनी रात चौगुनी आपको बरकत हो, सारा कुटुंब परिवार आपका फले फूले और जो है दिन वृद्धि करो, रात वृद्धि करो, चौगुनी उम्र लगे आपको, भगवान जो है आपको हमेशा जो है सदबुद्धि दे और आपके घर में ऐश्वर्य लक्ष्मी की प्राप्ति होए, वृद्धि प्राप्त होए, धन धान्य से परिपूर्ण रहे। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 6 और मेरा सारा काम हो चुका है, बस ना अब मंदिर साफ करना रह गया। मंदिर में पूजा करी थी तो सारा सामान अभी बिखरा हुआ है, पूरा मंदिर बिखरा हुआ है, बाकी ना प्रसाद वरसाद भी बांटना है अभी, तो नीचे अंकल जी लोगों को और लोगों को तो मैंने प्रसाद दे दिया था, बाकी जिन जिन को नहीं दिया है उनको घर पहुँचा दूँगी प्रसाद। और देखो मेरा किचन आज कितना फैल रखा है, पूरा पूरा किचन समेटना है अभी, किचन विचन कुछ नहीं समेटा है मेहमान, क्योंकि सब अभी जा रहे हैं, नाना जी लोग आए थे, मामी लोग आए थे, मैं इतने ज़्यादा काम में बिजी हो गई थी ना कि मैं किसी को भी दिखाई नहीं पाई। तो ये देखो जो जो भी मतलब थोड़ा बहुत व्लॉग बना पाई तो मैंने बनाया, बाकी मैं व्लॉगिंग कर नहीं पाई आज। और मैंने आज ना क्या क्या बनाया था आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो मैंने बनाई थी पूड़ी, और पूड़ियाँ बनाई थी, रोटी बनाई थी और उड़द के बड़े बनाए थे, ये बड़े बनाए थे मांस के। और क्या बनाया था, ये देखो मटर पनीर बनाया था और रायता बनाया था, लेकिन पता है हमारे साथ क्या हुआ, मैंने रायता बनाया तो सही लेकिन किसी को भी ना देना ही भूल गई मतलब क्योंकि एक तो अकेली थी मैं काम करने वाली और रायता ना सबसे साइड में रखा हुआ था, रायता बनाया तो था लेकिन किसी को भी हम देना ही भूल गए, तो सारा का सारा रायता वैसे ही बचा हुआ है। ये अभी ये हमारा पता नहीं 3-4 दिन तक चलेगा, किसी ने भी नहीं खाएगा, मैंने किसी को दिया ही नहीं तो खाएंगे कहाँ से। और मैंने बनाए थे छोले, देखो इतने अभी और बचे हुए हैं, और खीर बनाई थी, देखो खीर भी बची हुई है, और बनाया था हलवा, देखो हलवा भी बचा है, हलवा भी बच रखा है, ये हलवा, तो इतना आइटम बचा है। और दाल बनाई थी, दाल तो लगभग थोड़ी बहुत ख़त्म हो ही गई है, थोड़ी बहुत बची है, तो इतना। और आज पूरा किचन अभी बिखरा पड़ा है, मंदिर भी पूरा बिखरा पड़ा है, अभी मैं कुछ भी समेट नहीं रही हूँ, ये सारा सामान पड़ा हुआ है, ऐसे ही बिखेर रखा है, करती हूँ चेंज और देखती हूँ क्या करिए, अभी उठी हुई है थोड़ी देर उसके साथ लगती हूँ। आज ना इतना ज़्यादा ठंडा हुआ था, मैंने ना सॉक्स पाँव पर सॉक्स वॉक्स भी नहीं पहने थे, और कब से नंगे पाँव ही इधर उधर भागा दौड़ी काम वाम सब करी थी, ठंडी लग गई काफ़ी ज़्यादा, तो अभी ब्लोअर के आगे बैठ रखे हैं, ब्लोअर के आगे पाँव सेक रही हूँ थोड़ी देर, फिर उसके बाद सॉक्स पहन के फिर करूँगी आराम। जीवी के पापा गए हैं मामी लोगों को छोड़ने के लिए, तो दोस्तों अब कर लेते हैं वीडियो का एंड, शाम बहुत हो चुकी है, बाकी खाना वाना तो बना ही हुआ है, खाना बनाने की आज ज़रूरत नहीं क्योंकि अभी हमने लेट ही खा रखा है खाना, तो अब क्या आप कुछ नहीं है, तो अब कर लेते हैं वीडियो का एंड। तो दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग चैनल में पहले से हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट दीजिए और कमेंट के ज़रिए आज दुक्कू को, जीविका को, हमारी जीविका को आशीर्वाद दीजिए। और मिलती हूँ मैं कृति जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक अकेले स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, थैंक यू।